हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको ओपन माउथ ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये कुछ इस तरह का है और इसमें देख सकते हैं, जिसमें ओपन माउथ में बीच में बुलेट है और बुलेट इसमें लगा रखी है। इसमें बुलेट इसने अपने दांतों में दबाई हुई है और मैं आपको बिल्कुल ही कलर में आपको मतलब ड्रॉ करके दिखाऊंगा। और इसमें मैं आपको बिल्कुल ही चीप कलर पेंसिल से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें डॉम्स के मेरे पास पहले पुराने पड़े हुए थे कलर, तो मैंने उतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए। जो मैं आपको दिखाता हूँ ये करीब 20-25 रुपए के आसपास 12 शेड आपको मिलेंगे मार्केट में। ये देखिए, इतनी छोटी सी पेंसिल, इसके अंदर 12 शेड आते हैं। मैं आपको इन्हीं पेंसिल के जरिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं इस लिप्स के नीचे वाले हिस्से की मैं उसकी आउटलाइनिंग से शुरू करता हूँ, देन इसके ऊपर वाले की शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई मैं मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ और कोई कुछ नहीं, बस जो है फ्री हैंड ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास नॉर्मल जो घर में होती है, जो HB की पेंसिल नॉर्मल, बस वही उसी से ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो आप मेरे हाथ में इरेजर देख रहे हैं, ये मेरे पास नीडल इरेजर है। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इसकी शेप थोड़ी बनानी थोड़ी मुश्किल सी लग रही थी, मगर फिर भी मैंने इसको किस तरह कर दिया। और कभी भी जब आपको लिप्स वगैरह में बनाएं और जो ओपन माउथ अगर आप बना रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप पहले जो अंदर वाले जो लिप्स का नीचे वाला हिस्से की जो लाइन होती है कर्व में, आप उसको पहले आप ड्रॉ कीजिए। उससे क्या होगा कि आप उसके बाद उसी से ही हल्का सा आप अपना मेजरमेंट ले सकते हैं, अंदाज़ा ले सकते हैं, उसके हिसाब से ही आप ऊपर वाले लिप्स का भी बना सकते हैं। बुलेट का भी जो है, मतलब जो बंदूक की गोली कह सकते हैं उसे, वो उसे बनाने की कोशिश की है मैंने। ड्रॉ तो फिलहाल के हो गया है, अब मैं इसको अब इसमें वो मैंने यूज़ कर ली थी, अब रेड से मैं ऐसे कर रहा हूँ। इससे पहले अब आप जब कभी भी कोई ड्राइंग करें तो आप ये डायरेक्ट हार्डली ना करें, लाइट शेड करें, और जहाँ जहाँ से डार्क है उसे हल्के हल्के डार्क करते रहें। और कभी भी जब आपने डार्क करनी है तो लेयर बाय लेयर आपने डार्क करनी है। ये तो मेरी जो भी प्रैक्टिस कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, जिस तरह ये भी एक तरह की प्रैक्टिस ही मैं कर रहा हूँ, कोई वो प्रोफेशनली नहीं है, जैसा भी है, मतलब मैंने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा आपको ड्रॉ करके दिखाने की कि हाँ कि कैसा लगता है। अगर आप सामान की तो चलो तो दूसरी बात है, मगर आप जैसे घर में घर के आसपास कोई बिल्कुल ही सस्ती चीज़ और बिल्कुल ही मतलब लगता है कि हाँ भाई इन चीज़ों से भी अगर ड्राइंग अच्छी बन सकती हो, तो आप अगर आप प्रैक्टिस करें तो ज़रूर आप बिल्कुल ही बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी और रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं। अब जो मैंने रेड कलर की जो पेंसिल मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने जो इसमें पेंसिल में ये लगाया हुआ स्टैंड, ये इसका पेंसिल एक्सटेंडर लगाया हुआ है जो मैंने परचेज़ किया था, ये करीब मेरे को 70 रुपये के आसपास मेरे को मिला था। मतलब एक बार ये है कि एक बार आप ख़रीद लो, आपको फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी जो भी पेंसिलें होती हैं उसमें आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने टीथ के लिए कुछ मैंने भी सेंटर में को मैंने कोई लाइन नहीं ड्रॉ की, बस नीचे वाली लाइन की मैंने ड्रॉ की है टीथ के लिए, कि बस हल्का हल्का लगे कि हाँ ये टीथ की इतनी इतनी ऐसे ऐसे शेप बनी हुई है। और अब मैं इसको शेडो दे रहा हूँ जिस हिसाब से उस फोटो में थी। ये पूरी जो है, मतलब जिस तरफ से कभी भी आप
कुछ भी शेड करें, चाहे लिप्स हो गया, नोज़, आईज, कुछ भी, चाहे कोई भी कुछ भी आप कर रहे हैं शेड, तो आप ये देखना है आपने इस तरफ को लाइट का ज़्यादा फोकस हो रहा है, उस तरफ को हमने लाइट ही रखना है और उसके ऑपोजिट साइड डार्क रखना है। और डार्क करने की पूरी कोशिश की है मैंने कि अच्छी तरह डार्क हो जाए। हालांकि अगर मैं चारकोल पेंसिल वगैरह से मैं यूज़ करता तो उससे और ज़्यादा डार्क हो जाती और शायद उससे और ज़्यादा अच्छी लगती, बट मैंने फिर भी इसी पेंसिल को यूज़ किया है कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसी पेंसिल से यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें बहुत अच्छे आप मतलब ड्राइंग कर सकते हैं। तो बस मेरी यही कोशिश रही है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी मतलब ड्राइंग करके आपको दिखाऊं और आपको ट्यूटोरियल दूं। देख सकते हैं जो लिप्स के किनारे किनारे बहुत ही ज़्यादा इसमें शेडो आ रही है, तो उस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ। डार्क करने बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि डार्क हो जाए, मगर ये लेयर बाय लेयर ही कर रहा हूँ ताकि अच्छे से लाल। ओरिजिनल पेंसिल से बना रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर लिखना कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी और मेरी ये ड्राइंग कैसी लगी, आपको ज़रूर बताना। और अब मैंने ब्राउन पेंसिल से अब इस तरह मतलब बुलेट की शेप देने की कोशिश की है। कभी भी अब अगर आप किसी बेलनाकार कह सकते हैं, किसी बेलनाकार आकार में जब कोई शेडो पड़ती है तो अपर एरिया और डाउन वाला एरिया दोनों डार्क और सेंटर में लाइट होता है, उसको मैंने कोशिश की है उस तरह दिखाने की कि लगे कि हाँ कोई बेलनाकार कोई चीज़ जो है उसमें लगी इसके दांतों के बीच में है। हल्का सा ऑरेंज का मैंने टच दे दिया है और इस बुलेट में थोड़ा सा शेडो देने के लिए ब्लैक पेंसिल जो है उसका यूज़ कर रहा हूँ। ये शाइनिंग, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें शाइनिंग दे रखी है वाइट से, वाइट पेंसिल इसमें चल नहीं रही थी तो मैंने क्या किया है, इसमें वाइट जेल पेन का मैंने यूज़ किया है ताकि इसे ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। बस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।